नमस्कार, स्वागत है सभी का चैनल कोचिंग क्लासेस बहराइच में। अंतिम वर्ष को छोड़ विश्वविद्यालय के सभी छात्र होंगे प्रमोट। क्या खबर है ये? इसका प्रभाव किन छात्रों पर पड़ेगा, किसके ऊपर नहीं पड़ेगा, किस किस विद्यालय से संबंधित ये खबर है, यूजीसी ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया है, आइए जानते हैं पूरा विश्लेषण। इसलिए पूरे वीडियो में बराबर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस खबर के बारे में। देखिए, लगातार अफवाहों का दौर जारी है। क्या होता है कि जैसे एक छोटी सी खबर निकल के आती है, उसको पूरी तरीके से आके फैला दिया जाता है चारों तरफ। उसमें भी जो है कुछ यूट्यूबर्स हैं जो लगातार आपको जो है गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें ऐसा कोई भी एकदम फाइनल डिसीजन नहीं आया हुआ है, ठीक है? ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, बात आपको ध्यान रखना है। अभी हम देखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, लिखा है कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में मचे हाहाकार के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालय पर छोड़ दिया है। ठीक, अब यूजीसी ने क्या किया, विश्वविद्यालय पे छोड़ दिया। वह स्थानीय हालात को देखते हुए परीक्षा कराने या फिर छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं है, वो लेंगे। ठीक है, हालांकि जो स्थिति है उसमें ज्यादातर विद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। या ऐसी कौन सी लाइन है जो इस बात को लेकर कन्फर्म कर रही है कि पेपर नहीं होंगे? अब ये अपनी तरफ से लाइन छापी जाती है, मसाला दिया जाता है कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ऐसी तैयारी चल रही है। क्या तैयारी चल रही है अब अंदर का, तो ये तो प्रशासनिक व्यक्ति ही बता सकता है जो उसके अंदर का हो। अब उसमें कौन सी नोटिफिकेशन इश्यू कर रहे हैं, और एक विश्वविद्यालय नहीं, हर विश्वविद्यालय अपने हालात में। अभी आपको ये भी बताते हैं, इसी में लिखा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है ये यूजीसी का कहना है कि कोरोना संक्रमण का प्रभाव देश के अलग अलग हिस्सों में कम और ज्यादा है। ऐसे में परीक्षाओं को लेकर इस बार कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। लिहाजा आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को पिछले साल ही परीक्षाओं और नए शैक्षणिक सत्र को लेकर बनी गाइडलाइन के आधार पर तैयारी करने को कहा है। यानी हर जगह का क्या है, इफेक्ट अलग है। कोई विश्वविद्यालय करा भी सकता है, कोई विश्वविद्यालय नहीं करा सकता है। इसलिए अगर इस लाइन को लेके कहा जाए कि सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होगा, तो ऐसी कोई खबर नहीं है। विश्वविद्यालय अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेगा। जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ विश्वविद्यालयों ने अपने आप बच्चों को प्रमोट कर दिया था। डॉक्टर रामनोल या अवध यूनिवर्सिटी ने लगा कि प्रमोट कर देंगे, बाद में उन्होंने क्या किया, पेपर करा लिया। अब ऐसी परिस्थिति इस बार भी बन रही है। अगर डॉक्टर रामनोल या अवध यूनिवर्सिटी अपने आप पेपर करा लेता है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने आप बच्चों को प्रमोट कर देता है, तो क्या आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे? आपको एग्जाम देना होगा। इसलिए आप जब भी कोई खबर को लेके जो सीरियस हो, तो नोटिफिकेशन जब आए, जो वहां पे आपकी यूनिवर्सिटी से कोई नोटिफिकेशन आती है, तभी जाके आप उसको लेके ध्यान से जो है सीरियस हो कि नहीं अब हमको नहीं पढ़ना है या पढ़ना है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर विश्वविद्यालय अपने तरीके से डिसीजन लेगा। अब आप देखिए, इस बीच विश्वविद्यालय ने स्नातक के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन या फिर पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान करके प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई अगस्त में कराने की योजना पर भी काम किया जा रहा है, यह उम्मीद की जाती है। और इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा, जून के पहले सप्ताह में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद फैसला किया जाएगा। यानी ऐसा कोई फैसला अभी किया नहीं गया है। विश्वविद्यालय अपने आप में एक स्वायत्तशासी संस्था होते हैं, ये अपने तरफ से कोई भी निर्णय ले सकते हैं। एग्जाम को लेके, कैलेंडर को जो है वो नया सत्र जो जारी करते हैं उसको लेके, ये विश्वविद्यालय अपनी तरफ से ले सकता है। विश्वविद्यालय क्या लेता है इससे संबंध में, क्या जो है अपना वो गाइडलाइन जारी करते हैं, जैसे इनकी नोटिफिकेशन आती है वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, आपको चैनल पे जब भी अथेंटिक न्यूज मिलेगी, हम सबसे पहले आपको अपलोड करके बताएंगे। लेकिन जब तक कोई अथेंटिक न्यूज नहीं आती है, हम कोई वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। आपको परेशान करने वाली कोई ऐसी खबर अपलोड नहीं करेंगे जिससे आप परेशान हो, क्योंकि लगातार लोग परेशान हैं, हर तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई गलत खबर हम आप तक पहुंचाते हैं, और एक भी व्यक्ति को अगर उससे कोई नुकसान होता है पढ़ाई को लेके, या उसका आर्थिक रूप से कोई नुकसान होता है, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखिए, जब भी कोई चीज़ शेयर करिए तो उसको पढ़िए और उसके बाद दूसरे लोगों को शेयर करिए। तो इसमें दो ही चीज़ें निकल के आई हैं कि यूजीसी ने यूनिवर्सिटी पे डाल दिया है, यूनिवर्सिटी पे डाल दिया है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी क्या निर्णय लेती है वो जून के फर्स्ट वीक में आएगा, और जो जून के फर्स्ट वीक में आएगा आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। तब तक आप लोग अपने घर पे रहिए, मस्त रहिए, और जैसे आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे वैसे आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। कोई भी खबर आती है आपको सबसे पहले दी जाएगी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।